हेलो स्टूडेंट्स, दधीचि ट्यूटोरियल को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने आज भिडियोटी रही बी फार्मा एवं एम फार्मा पिलाई जो पिलाकर सेकेंड एलॉटमेंट आसी सारी बहुत सारा पिलाने निजर एलॉटमेंट लेटर रे जो देखुं सी टाइप नॉट एप्लीकेबल या माने कौन बहुत सारा पिलाने पचार सर सी टाइप नॉट एप्लीकेबल कहीं लिखाई सेकेंड एलॉटमेंट पर आमको फ्रीज ऑफ फ्रॉड ऑप्शन कहीं शो करूना आम कौन करवा से रिलेटेड आम कि इनफर्मेशन दिंतु सेकेंड एलॉटमेंट पर यह प्रोसेस कौन पाई ये जिन सब देखापी मिलूँ। तो सेकेंड एलॉटमेंट पर जो मानकर सब कॉलेज आसेज आसीपारी ना से कौन करेंगे कौन ना सब विषय आज आम डिस्कसन करने जाऊे जो मैंने भी वजे थ्रो रे सेकेंड एलॉटमेंट पर्यटन पहुंची जाइंट से मानी आज इंपोर्टेंट भिडियोटी रही। तो चलो पाने भिडियोट स्टार्ट करवा पूर्व समस्त पिला अनुरोध समस्त चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखर थी बेल आइकन को प्रेस कर अल् नोटिफिकेशन अन् कर दिंतु जहाँफल आपने ये इंपोर्टेंट और इनफर्मेट भिडियो गुड़ा आगर जाए पहुंच पारे। तो पिलाने डेरी नक भिडियो को स्टार्ट करवा तो देखिपे जो आपने लगइन करेंगे एक्टिविटी लिस्ट एपट साइड में देखापी मिले गोटे है सीट एलॉटमेंट रिजल्ट देन डाउनलोड सीट एलॉटमेंट लेटर सबमिट विलिंगनेस अपलोड डॉक्यूमेंट शिफ्ट एक्सेप्टेंस फी यही गुड़ा सब डिटेल्स आपखापी मिल। तो जितेबाला आपने सीट एलॉटमेंट रिजल्ट मारे सेकेंड राउंड में ये देखिपे ये लिखाई पिलाटार सेकेंड राउंड ऑप्शन वन सी कौन करा ऑप्शन वन सी फ्रीज ऑप्शन चूज कर देता जेहेतु ऑप्शन मानने फास्ट राउंड रू तार से ही कॉलेज आसी ऑप्शन वन कॉलेज आ फ्रीज ऑप्शन चूज कर देता से तार जो कॉलेजा आसा कि गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुणपुर से ही कॉलेजा तार फ्रीज हो रही जाइए। तो जितेबले भी आपने जो पचार सर आमको फ्रीज आउ फ्लड ऑप्शन कहीं शो करूनी जदि आपस्ट राउंड रू फ्लड ऑप्शन चूज करते हैं आपण मानक आई फ्लड ऑप्शन ही रु देखना ओके देन जो माने फास्ट राउंड रो फ्रीज ऑप्शन चूज करते जो माने फ्रीज ऑप्शन चूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्रीज होती ऑप्शन देखेबो नहीं। तो आउ थे चेक करदे कौ जगह आपई ऑप्शन टा देखेबो ना सबमिट विलिंगनेस सबमिट विलिंगनेस क्लिक करेंगे जो मानक भी फ्रीज ऑप्शन देखा सेकेंड राउंड पर जो मैंने भावुं आम आगु फ्लड करते यही थर जो आलेजा से कलेजा आमको निहाती दरकार आम ये कलेजा फ्रीज करने चाहे तो सबमिट विलिंगनेस क्लिक करेंगे क्लिक करके चेक करेंगे जब फ्रीज ऑप्शन आसूल भल कथा जदि न आसूल आपण मैंने कौन करेंगे ना फाइनाल एलॉटमेंट वेट करेंगे कहीं सेकेंड राउंड में जो कलेजा आसे से ही कलेजा फाइनाल राउंड में बहुत सारा पिला आसी था तो आपँ वेट करार अच्छी जमारु व्यस्त होबेनि जे सर आम कहीं आसूना कौन करवा कौन ना जमारु व्यस्त होबेनि सेकेंड राउंड में देखिले हाँ मोर यही कलेजा आसी आप को फाइनल राउंड जोटा कि 30 तारीख दिन अच्छी 30 जनवरी जो फाइनल राउंड आसो से दिन आपण को अपेक्षा करार अच्छे और फाइनल राउंड आसापर फाइनल एलॉटमेंट लेटर गोटे आसो जोटा कि ये लिखाई देखते पिलाने डाउनलोड सीट एलॉटमेंट रिजल्ट बा लेटर यार ऊपर क्लिक कले आपको फाइनल एलॉटमेंट लेटर गोटे शो करदेव से ही लेटर टाक आपण मैं डाउनलोड करार अच्छी बहुत सारा पिला पचारे सर फाइनल एलॉटमेंट लेटर देखनी किंतु राउंड थ्री लेटर देखा तो राउंड थ्री जेटा पिलाने आपर फाइनल एलॉटमेंट से डाउनलोड करेंगे डाउनलोड कर सारापर से ऊपर लेटर में लिखाई थोड़ा देखिए फाइनल एलॉटमेंट लेटर जदि लिखाई थोड़े से आपण मानक फाइनल एलॉटमेंट लेटर जदि प्रोविजनल एलॉटमेंट लेटर लिखाई थोड़े से आपर फाइनल एलॉटमेंट लेटर नुहे आपको अपेक्षा करने पड़ो फाइनल एलॉटमेंट लेटर आसवा पर्यंत। तो ये आपर लेटर विषय में कहीदेली देन जो पिलाने भी यू सब पाँच सीट एलॉटमेंट लेटर पाँच से बहुत सारा जिनस लिखाई से जापार ना एलॉटमेंट कैटेगरी ओपन लिखाई कहीं एलॉटमेंट कोटा होम स्टेट कहीं लिखाई सीट जेंडर बोथ कहीं लिखाई सीट टाइप नॉट एप्लीकेबल कहीं लिखाई सर आमको यह विषय में किसी कहतु नॉट एप्लीकेबल मान कौन आम सीट पाइबानी सीट एलॉटमेंट नॉट एप्लीकेबल लिखाई मानते कौन करवा तापर आमको किसी इनफर्मेसन दिंतु। तो पिलाने या उपरे इनफर्मेसन हो प्रथम तो रैंक आपने देखे ओजे रैंक देन एलॉटमेंट कैटेगरी ओपन मान कैटेगरी आपण मान जो कैटेगरी भी चूज करते ही कैटेगरी अनुजाई आपको सीटा मिली से ओपन कैटेगरी लिखाई एससी भी लिखाई थी एस टी लिखाई थी टीएफडब्ल्यू भी लिखाई थी जेनराल लिखाई थी तो सहीटा है आपर एलॉटमेंट कैटेगरी तो या जमारु ओरीड हे ना देन एलॉटमेंट कोटा जेहेतु आपड़शा पिला से होम स्टेट लिखाई जेहेतु आपड़शा पिला से होम स्टेट कोटा रे आपण मानक सीटा मिली देन रैंक आपण मैंने देखिपे 5317 रखी पिलाटी रैंक से ही भाया सीट टाइप यहीटा है मेन बहुत सारा पिला पचार सर सीट टाइप नॉट एप्लीकेबल कौन लिखाई
तो आपण माने पिला माने जानी थिबे जदि भी जानी नाहती ताले जो कैटेगरी वाइज आपण मन कर रिजर्वेशन थिला सेति भितरु गोटे कैटेगरी थिला एस जी एस ओके एस जी एस कैटेगरी जोटा कि स्टेट गवर्नमेंट स्कूल आउथरे मन रखंतु एस जी एस कैटेगरी गोटे थिला सेटा हला स्टेट गवर्नमेंट स्कूल या पई 15% रिजर्वेशन रहिछि पिला माने एई जो कैटेगरी रहिछि एस जी एस कैटेगरी या पई 15% रिजर्वेशन रहिछि तो पिला माने कहतिबे सर हमको तो या विषय कहलेनी टीएफडब्ल्यू विषय कहले एससी विषय कहले एसटी विषय कहले किंतु एस जी एस कैटेगरी विषय कोन पई कहले नाही एस जी एस कैटेगरी माने कोन पिला माने ना स्टेट गवर्नमेंट स्कूल माने सेटा ऑटोमेटिकली आपण मान कर नै जीव जदि आपण दशम गवर्नमेंट स्कूल एवं प्लस टू गवर्नमेंट स्कूल लो पास करिथिबे ताहले ऑटोमेटिकली सेठी एसजीएस कैटेगरी बोली नै जीव बा सीट टाइप जो नॉट एप्लीकेबल रहिछि सेठी आपण मानको एप्लीकेबल देखै दबो जेहेतु आपण माने दशम एवं प्लस टू दुईटा को गवर्नमेंट कॉलेज रु पास करी नथिबे सेठी पई एटा नॉट एप्लीकेबल लेखौछि जदि आपण माने दशम एवं प्लस टू दुईटा को गवर्नमेंट कॉलेज रु पास करथिबे एवं गवर्नमेंट रु ही आपण माने सेठी सिलेक्शन बेले देइथिबे ताहले जाई कि आपण मानकर सेठी एप्लीकेबल बुली लेखिबो तो सीट टाइम नॉट एप्लीकेबल माने आपण माने भाबिबेन जे आपण मानकर सीट कटि गला एटा गोटे कोटा थिला जहा कि एटा आपण मानकर एप्लीकेबल हेइ नाही तो जमार भी ओरिड होबार किछि आवश्यकता नै या उपर किछि भी इफेक्ट पड़िबनी एडमिशन आपण माने आराम से नेबे जेहेतु आपण माने फी पेमेंट करचोंदी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेछि ता सहित आपण मानकर अलॉटमेंट लेटर मध्य आसीति तो जमार व्यस्त होबार आवश्यकता नै नॉट एप्लीकेबल को नेकी बहुत सारा ओरिड रहिचोंदी पिला माने बहुत सारा क्वेश्चन रहितला जेटा कि मा आपण मानकर डाउट क्लियर कर देली एसजीएस कैटेगरी आपण मानकर किछिटा रिजर्वेशन थाय जहा फल जो माने स्टेट गवर्नमेंट स्कूल पिला माने थांती जो माने कि गवर्नमेंट कॉलेज रु पास करथांदी एवं गवर्नमेंट स्कूल नु मध्ये पास करथांदी सेई मानकर ही आपण मानकर एई जिंसटा एप्लीकेबल होइता एटा सेटा ओजे ऑटोमेटिकली से वेरीफाई बेले आपण माने सर्टिफिकेट जो दैचोंदी सेमन देखि देबे जेटा गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ना प्राइवेट कॉलेज रु पढी कि छुआटा सर्टिफिकेट दैछि तो सेई अनुसार आपण मानको एठी एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल लेखा है कि आसी थाय तो या पई जमारो भी व्यस्त हेबे नाही एवं जो मानु कहली सबमिट विलिंगनेस चेक करनियो तो जदी फ्रीज फ्लड ऑप्शन आसछि भलो कथा नॉन लाइन फाइनल एनरोलमेंट पई अपेक्षा करंतु एवं सेकंड राउंड पर जदि चाहौचोनि कोनोसी पिला विड्रॉल करे पई विड्रॉल करनियंतु या पर विड्रॉल प्रोसेस आसीबो नाही फाइनल अलॉटमेंट पर आ पैसा आपण माने उठै परिबे नाही ओके तो जो माने भी चाहौचोनि ए वर्षा पढिबेनि बी फार्मा से माने चाहिले आपण मानकर पैसाटा उठै परिबे एवं जो माने चाहौचोनि पढिया पई ताहले से मनको किछि भी करिवार आवश्यकता नाही डायरेक्ट अपेक्षा करंतु फाइनल अलॉटमेंट पई ओके तो पिला माने एतै थिला आपण मानो पई इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जदि वीडियो टी भल लागछि लाइक करंतु संग मान सहित इन्फॉर्मेशन को शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करिया को जम्मारो भूलंतु नै तो पिला माने रहले पुनी देखाबा कोनो इंपोर्टेंट एवं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सहित सत पर्यंत विदाय दियंतु धन्यवाद।